तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कॉमेडी प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर के बारे में, जिसे लिखा था ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉमेडी प्ले है। ये इंग्लिश लिटरेचर के उन कुछ प्लेज में से एक है जिसे बहुत पसंद किया गया है। दोस्तों इसको 1773 में पहली बार परफॉर्म किया गया था और इसे बार बार थिएटर्स में दिखाए जाने की मांग की जा रही थी। दोस्तों तो दोस्तों इसी प्ले की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं वादा करता हूं आपको ये प्ले बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, लेट्स बिगिन। जैसा कि मैं हर बार करता हूं, प्ले को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके राइटर के बारे में, यानी कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में। दोस्तों ये एक आयरिश राइटर थे। 10 नवंबर 1728 को इनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1774 को इनकी डेथ हो गई थी। ये स्पेशली अपनी कॉमेडीज की वजह से जाने जाते थे। इनके और भी प्लेज हैं जैसे सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड, गुड नेचर्ड मैन और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्ले है, आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्ले। ये कहानी है हार्डकासल फैमिली की। इस फैमिली में दो मियां बीवी हैं, मिस्टर हार्डकासल एंड मिसेस हार्डकासल, जो एक बहुत ही पुराने टाइप के घर में रहते हैं। क्योंकि मिस्टर हार्डकासल एक बहुत ही पुराने विचारों के आदमी हैं, एक रूरल एरिया में रहते हैं, पुरानी सोच रखते हैं। मिसेस हार्डकासल जो उनकी बीवी हैं, उनकी पत्नी हैं, वो उन्हें बार बार कहती है कि हम इस घर को बेच करके लंदन रहने चलते हैं। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे रूरल एरिया के लोगों के लिए लंदन जाना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मिस्टर हार्डकासल मिसेस हार्डकासल की इन बातों पे ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं जैसा हूं अच्छा हूं। अब इन दोनों मियां बीवी के एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी का नाम है केट हार्डकासल और बेटे का नाम है टॉनी लुम्पकिन। दोस्तों आप ये जरूर सोचोगे कि टॉनी लुम्पकिन कैसे, टॉनी हार्डकासल क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों मिसेस हार्डकासल ने मिस्टर हार्डकासल से दूसरी शादी की है। इनके पहले पति से इनको एक बच्चा था जिसका नाम है टोनी। वो बच्चा ये टोनी है, ठीक है। ये टोनी अपने फादर मिस्टर हार्डकासल को पसंद नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इसके बहुत सारे कारण हैं। हम कारण डिस्कस करने लग जाएंगे तो स्टोरी को आगे कब बढ़ाएंगे। तो एक कारण तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इसका सौतेला बाप है इसलिए इसे ये पसंद नहीं करता। अब दोस्तों देखो, इस फैमिली में दो मियां बीवी हैं। एक इनकी बेटी है केट हार्डकासल, वो अपने फादर के बहुत क्लोज है, और एक इनका बेटा है टोनी लुम्पकिन, जो अपनी मदर के बहुत क्लोज है, मिसेस हार्डकासल के बहुत क्लोज है और अपने फादर को पसंद नहीं करता। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। अब इस बच्चे दो ही अच्छे वाली फैमिली में एक इनकी भतीजी भी इनके साथ रहती है जिसका नाम है मिस नेवल। अब ये जो भतीजी है मिस नेवल, ये मिसेस हार्डकासल की देखरेख में रह रही है। मिसेस हार्डकासल ने नेवल को पालने का, बड़ा करने का जिम्मा उठा रखा है। अब मिसेस हार्डकासल ये चाहती है कि मिस नेविल जो है वो मेरे बिगड़े हुए बेटे टोनी से शादी कर ले। टोनी एक नंबर का शराबी लड़का है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं, जो अपने पिताजी मिस्टर हार्डकासल को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता है, और वो नेविल से भी शादी नहीं करना चाहता। यहां तक कि नेविल जो है इनकी भतीजी, वो भी टोनी से शादी करना नहीं चाहती। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों मिसेस हार्डकासल ये चाहती है कि मेरा बेटा टोनी मिस नेविल से शादी कर ले। उसकी एक वजह है, मैं बताता हूं क्या वजह है। क्या है, मिसेस हार्डकासल के पास नेविल की कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है। अब ये ज्वेलरी नेविल को तब मिलेगी जब वो किसी से शादी कर ले, और मिसेस हार्डकासल ये चाहती है कि वो मेरे बेटे से ही शादी कर ले। जो ज्वेलरी उसकी मेरे पास पड़ी हुई है वो ज्वेलरी घर की घर में ही रह जाएगी। क्या मस्त प्लान बनाया आंटी ने। लेकिन आंटी अपनी भतीजी से तो पूछ लो, क्या वो आपके बेटे से शादी करना चाहती भी है या नहीं? नहीं, आंटी को कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने बिगड़ेल बेटे से अपनी भतीजी की शादी करवाना चाहती है। चलो ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने बेटे से तो पूछ लो, क्या वो नेविल से शादी करना चाहता भी है या नहीं? नहीं, आंटी को उससे भी कोई मतलब नहीं है, उनको तो ये चाहिए कि वो ज्वेलरी घर की घर में ही रह जाए। लेकिन आंटी को ये पता नहीं है, मतलब मिसेस हार्डकासल को ये पता नहीं है कि इनकी जो भतीजी है नेविल, इसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, और इनका जो बेटा है टोनी, वो भी नेविल को पसंद नहीं करता। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। अब दोस्तों टोनी बदतमीज तो था अपने फादर के लिए, ठीक है। एक दिन वो अपने कमरे से बाहर निकल के कहीं जा रहा था, तो मिसेस हार्डकासल ने कहा, बेटा टोनी अपने फादर के आशीर्वाद तो लेके जा। वो बोलता है, मैं जा रहा हूं मॉम, मेरे को कोई आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं लेना इनका। ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, जाओ यहां से।
ये टोनी कोई काम पे थोड़ी जाता है जो इसको आशीर्वाद की जरूरत पड़े, ये तो शराब पीने पब में जाता है। अब मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल जो है ये एक लड़के का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर हार्डकासल के एक दूर के दोस्त हैं, उनका एक लड़का है मार्लो नाम का, वो आ रहा है इनकी सीधी सादी बेटी केट को देखने के लिए। मार्लो अपने एक दोस्त के साथ आ रहा है जिसका नाम है हेस्टिंग्स इस घर में। अब दोस्तों वो इस घर में आ तो रहा है लेकिन इस घर की कंडीशन ऐसी है, इतनी पुराने टाइप का घर है, ये एक इन की तरह लगता है, एक बार की तरह, बार समझते हो ना। इस घर के मालिक जो है मिस्टर हार्डकासल, वो इस घर को एकदम ऐसा ही रखना चाहते हैं। इनकी ये जो बेटी है केट, सीधी सादी बेटी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको देखने आ रहा है मार्लो, ये भी अपने फादर के लिए मतलब मिस्टर हार्डकासल की खुशी के लिए सीधे सादे कपड़े पहनती है। सीधे सादे कपड़े भी इतने सीधे सादे कपड़े कि वो एकदम बारमेड लगती है। वो लड़कियां जो बार में काम करती है, ये लड़की जब तक घर में रहती है अपने फादर के लिए एकदम सीधे सादे कपड़े पहन के रखती है, एकदम ओल्ड फैशन। लेकिन जब जब ये बाहर जाती है तब तक ये नॉर्मल कपड़े पहन लेती है, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अपने फादर के बहुत क्लोज है, अपने फादर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वो लड़का मार्लो और उसका दोस्त हेस्टिंग्स इस घर में आ रहे हैं। अब जब वो दो मुसाफिर आ रहे हैं तो आते आते उनको रात हो गई। अब रात में वो थोड़ा सा रास्ता भटक गए। अब रास्ते में आते आते उन्होंने किसी से रास्ता पूछने की सोची, तो वो रास्ता पूछने के लिए उस पब में चले गए। पब में टोनी शराब पी रहा था। उन दोनों ने टोनी से रास्ता पूछा कि हमको मिस्टर हार्डकासल के घर जाना है। तो यहाँ पे टोनी समझ गया कि ये दोनों बंदे मेरे ही घर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये वजह तो जानूं कि ये जाना क्यों चाहते हैं मेरे घर पे। तो वो उनसे वजह पूछता है जाने की। तो वो बोलते हैं कि हम उनकी बेटी को देखने जा रहे हैं, उन्होंने हमको बुलाया है, तुम तो हमें बस रास्ता बता दो। तो टोनी बोलता है, अच्छा वही मिस्टर हार्डकासल जिनका बहुत ही समझदार एक बेटा है और बेवकूफ़ सी लड़की है जिनको तुम देखने जा रहे हो। मतलब वो उन दोनों को बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मिस्टर हार्डकासल का घर यहाँ पे नहीं है, बहुत दूर है, तुम तो गलत रास्ते पे आ गए हो। तो वो दोनों बेचारे हैरान परेशान, उन्होंने कहा कि हम अगर यहाँ पे आ गए हैं तो अब रात कहाँ गुजारेंगे, हमको रात को गुजारने के लिए कई जगह तो चाहिए। तो टोनी उनसे कहता है कि मेरे पास एक जगह है, मैं तुम्हें एक जगह बता सकता हूँ, एक इन है, इनका मतलब मैंने आपको बताया था बार है, एक होटल टाइप का है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ का जो मालिक है वो तुम्हें एकदम ऐसे होस्ट करेगा जैसे तुम उसके कोई मतलब सगे लगते हो, और वो उन दोनों को अपने घर का रास्ता बता देता है। मतलब बेवकूफ़ बना के वो अपने ही घर पे उन दोनों को भेज देता है जहाँ वो दोनों जाना चाह रहे थे। अब मिस्टर एंड मिसेस हार्डकासल जो है ये तो सोच रहे थे कि मार्लो हमारी बेटी को देखने आ रहा है, लेकिन मार्लो और उसका दोस्त हेस्टिंग्स जो है वो ये सोच रहे थे कि हम दोनों जो है रास्ता भटक गए, अब हम एक बार में रहने के लिए जा रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब मार्लो उधर जाता है तो टोनी ने जैसा उसको बताया था कि जो वहाँ के ओनर हैं उस बार के, वो तुम्हें ऐसे होस्ट करेंगे जैसे तुम उनके कोई सगे लगते हो, कोई रिश्तेदार लगते हो, और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि मिस्टर हार्डकासल तो ये सोच के बैठे थे ना कि मार्लो हमारी बेटी केट को देखने के लिए आ रहा है। लेकिन मार्लो और हेस्टिंग्स अंदर जाते ही रेट वेट फिक्स करने लग जाते हैं कि हम एक रात ही रहेंगे और पैसे ज़्यादा नहीं देंगे वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना आप, वो तो बार समझ के आया इसको। मिस्टर हार्डकासल तो उससे एकदम प्यार से बात करते हैं, लेकिन मार्लो तो ऐसे बात करता है जैसे कोई वो किसी इनके ऑनर से बात कर रहा है। तो मिस्टर हार्डकासल उसको देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि ये तो मेरे दोस्त का लड़का है, बड़ा अच्छा होना चाहिए था, ये कैसे बिहेव कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी आके जुड़ती है, कहाँ जुड़ती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इनकी जो एक भतीजी है नेविल नाम की, मैंने आपको पहले बताया था, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो हेस्टिंग्स है। हाँ जी, ये हेस्टिंग्स है जो ये मिस नेविल का बॉयफ्रेंड है। तो मिस नेविल इसके पास आकर के पूछती है, तुम यहाँ पे? तो हेस्टिंग्स बोलता है, तुम यहाँ पे? तो नेविल इससे बोलती है, हाँ ये मिस्टर हार्डकासल का घर है, तुम यहाँ कैसे? तो हेस्टिंग्स उससे बोलता है, ये मिस्टर हार्डकासल का घर है, अरे बाप रे, हम तो इसको इन समझ के आए थे। और मार्लो तो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है मिस्टर हार्डकासल से, अरे यार ये क्या हो गया। तो मिस नेविल उनसे पूछती है कि तुमको किसने बताया ये एक इन है? तो वो बोलता है कि पब में एक लड़का बैठा था, उसने हमको पता बताया था कि ये एक इन है यहाँ पे, उसके मालिक एकदम होस्ट की तरह तुमसे बिहेव करेंगे। तो मिस नेवल बोलती है, अच्छा टोनी तुम्हारे साथ गेम खेल गया, टोनी तुम्हें बेवकूफ़ बना गया। वो क्या है, लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाता है। चलो अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ऐसे करते हैं
मार्लो को नहीं बताते ये मिस्टर हार्डकासल का घर है। मार्लो को ये सच्चाई नहीं बताएंगे ये मिस्टर हार्डकासल का घर है, क्योंकि ये जो ट्रिप बनी है मिस नेवल और हेस्टिंग्स के मिलने की वो बिगड़ जाएगी। मार्लो क्या डिसअपॉइंट हो जाएगा, फिर वो यहाँ से चलता बनेगा, तो ये जो ट्रिप बनी है ये कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ दिनों में यहाँ से जो मेरी ज्वेलरी अटकी हुई है यहाँ पे उसको लेकर के हम दोनों भाग जाएंगे। मिस नेवल जो है वो हेस्टिंग्स से बोल रही है कि मेरी जो ज्वेलरी अटकी हुई है मिसेस हार्डकासल के पास में, उसको चुरा करके भाग जाएंगे। लेकिन मार्लो तो अभी भी ये सोच के बैठा है कि ये तो इन है, ये एक बार है और मिस्टर हार्डकासल इसके ओनर। तो मार्लो सबसे ही वहाँ पे नौकरों जैसा बर्ताव करता है। अब उसकी मुलाकात केट से होती है, केट हार्डकासल से। अब मैंने आपको बताया था कि केट जो है घर में एकदम नॉर्मल कपड़ों में रहती है, वो बारमेड सी लगती है एकदम। अब मार्लो भी उसको एक बारमेड ही समझ लेता है और उससे एकदम नौकरों जैसा बर्ताव करता है, एकदम खुल के बात करता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मार्लो की एक प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। इसकी एक प्रॉब्लम है, जब ये किसी हाई क्लास लड़की को देखता है ना तो उसके सामने बिल्कुल एकदम हकला के बात करता है, और जब ये अपने से लो क्लास लड़की को देखता है तो उससे एकदम खुल के बात करता है। तो इसने सोचा कि केट एकदम एक बार गर्ल टाइप की है, वो बार मेड टाइप की है, तो उससे तो आराम से बात की जा सकती है। केट को ये इसकी प्रॉब्लम के बारे में तब पता चलता है जब वो उसके सामने नॉर्मल कपड़े पहन के आती है, तब मार्लो उससे बात नहीं कर पाता, और जब जब इसके सामने एकदम सिंपल कपड़े पहन के आती है तो मार्लो आराम से इससे बात कर लेता है। तो केट को लगा कि इसके साथ, इस लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वही मिस्टर हार्डकासल एकदम शॉक्ड है अभी भी कि मार्लो जो है, मैंने तो सोचा था वो एकदम बढ़िया लड़का होगा लेकिन ये तो एकदम डिफरेंट निकला। तो केट मिस्टर हार्डकासल को कहती है कि पापा मुझे थोड़ा सा मौका दो, एक मौका दो ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मार्लो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं असलियत में, यहाँ कुछ प्रॉब्लम, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जो हमको दिख नहीं रही है। अब दोस्तों कहानी के दूसरी तरफ एक प्लान बन रहा है। प्लान कौन सा? प्लान बन रहा है मिस नेवल और हेस्टिंग्स के बीच में, कि हम लोग जो गहने अटके हुए हैं मिस नेवल के मिसेस हार्डकासल के पास में, उसको लेकर के भागना है कैसे भी। अब मिसेस हार्डकासल से गहने चुराना इतनी आसान बात नहीं है, इसमें हमें किसी की मदद लगेगी, और वो मदद करेगा कौन? वो मदद करेगा टोनी। क्यों? टोनी क्यों मदद करेगा भाई? टोनी मदद करेगा क्योंकि टोनी खुद मिस नेवल से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ जो है मिसेस हार्डकासल, जो शादी करवाना चाहती है टोनी की मिस नेवल से, वो नहीं करना चाहता शादी। वो चाहता है कि हेस्टिंग्स जो है वो मिस नेवल को लेकर के यहाँ से भाग जाए इस घर से, ताकि मेरी जान छूटे। तो वो हेस्टिंग्स से एक डील कर लेता है कि तुम इस लड़की को लेकर के भाग जाना, मैं तुम्हें जो नेवल के हैं गहने जो मेरी माँ के पास पड़े हैं वो मैं चुरा के दूंगा तुम्हें। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने माँ के गहने चुरा करके हेस्टिंग्स को पकड़ाता है। हेस्टिंग्स उन गहनों को अपने पास ले लेता है। हेस्टिंग्स सोचता है कि अब इन गहनों को कहाँ रखूँ, तो वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं इन गहनों को मार्लो को पकड़ा देता हूँ कि मार्लो संभाल लेगा। तो वो मार्लो को गहने देता है। मार्लो क्या करता है, उन गहनों को कहता है कि अब मैं कैसे सुरक्षित रखूँगा इनको, तो ऐसे करता हूँ मैं एक बंदा जानता हूँ इस घर में जो सुरक्षित रख सकता है इन गहनों को। वो गहने मिसेज हार्डकासल को दे देता है, यानी घूम फिर के गहने मिसेज हार्डकासल के पास वापस से पहुंच जाते हैं। अब मिस नेवल और हेस्टिंग्स का जो भागने का प्लान था उसका क्या होगा? जो होगा सो होगा। अब इस स्टोरी को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। अब इस स्टोरी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी और सुना देता हूँ। ये स्टोरी है टोनी लुमकिन की। हमें मालूम है ये शराब पीता है, लोगों को छेड़ता है और भी बहुत सारी गंदी आदतें हैं इसमें, लेकिन क्या आपको मालूम है ये ऐसा क्यों है? इसको बिगाड़ा है इसकी माँ के लाड प्यार ने। मिसेस हार्डकासल जो है ना वो बहुत ज्यादा लाड करती है इसको। क्या है, मिसेस हार्डकासल के जो पहले वाले हस्बैंड है मिस्टर लुमकिन हार्डकासल के पहले वाले हस्बैंड, वो हर महीने टोनी को एक निश्चित पॉकेट मनी भिजवा देते हैं जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। भाई बेटा है, थोड़ा बहुत तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन 18 साल तक वो इसको पॉकेट मनी भिजवा रहे हैं। तो मिसेस हार्डकासल ये सोचती हैं कि मेरा बेटा जो है इसके पास इसके फादर की थोड़ी बहुत पॉकेट मनी तो आ ही रही है, बाद में मैं इसकी शादी मिस नेवल से करवा दूंगी, तो मेरे बेटे को कमाने की ज़रूरत क्या है। ये टोनी लुमकिन चाहे तो सुधर सकता है, लेकिन इसकी माँ ने जबरदस्ती इसको बिगाड़ के रखा है, और ये पता नहीं कब का 18 साल का हो चुका है,
लेकिन फिर भी इसकी माँ मिसेस हार्डकासल ने ये बात छुपा के रखी है पूरी दुनिया से, और मिस्टर हार्डकासल ये जानते हैं। ये जानते हैं कि टोनी जो है ये 18 साल का कपका हो गया है, इसकी माँ ने इसको बताया नहीं है अभी तक। क्या है अगर इसकी माँ इसको बता देगी कि ये 18 साल का हो गया है तो ये एकदम फ्री हो जाएगा, फिर अपनी माँ से बोलेगा मेरे को किसी से शादी नहीं करनी वगैरह वगैरह। तो मिसेस हार्डकासल इसको बताती नहीं है, मतलब मिसेस हार्डकासल ने इसको बिगाड़ के रखा है। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। अब ये छोटी सी स्टोरी थी जो मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब हम अपनी पुरानी वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। टोनी ने अपनी माँ मिसेस हार्डकासल से नेविल के गहने चुरा करके हेस्टिंग्स को दिए, हेस्टिंग्स ने वो गहने संभालने के लिए मार्लो को दिए, मार्लो ने वापस गहने मिसेस हार्डकासल को दे दिए, यानी कि गहने घूम फिर के मिसेस हार्डकासल के पास वापस पहुंच गए, ठीक है। अब इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हो रही है दोस्तों, मार्लो के पिताजी मिस्टर चार्ल्स मार्लो। अब जब ये घर में खबर फैलती है कि चार्ल्स मार्लो आ रहे हैं, मार्लो के पिताजी आ रहे हैं, तो हेस्टिंग्स डर जाता है। हेस्टिंग्स क्यों डर जाता है भाई, उसको क्या मतलब है चार्ल्स मार्लो से? उसको मतलब है क्योंकि चार्ल्स मार्लो ये जानते हैं कि उसका हेस्टिंग्स का और नेविल का चक्कर चल रहा है, तो अगर चार्ल्स मार्लो आ गए तो हमारी पोल खुल जाएगी, अब हमें जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। वो टोनी को बोलते हैं कि एक बग्गी का इंतजाम कर दे हमारे लिए। टोनी कहता है ठीक है, मैं बग्गी लेके गार्डन में पहुंच जाऊंगा, तुम नेविल को लेके गार्डन में आना और मैं तुझे और नेविल को वहीं से ही रफा दफा कर दूंगा, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी, ठीक है। इनके बीच में डील हो गई, लेकिन इस चीज का पता पता नहीं कहां से मिसेस हार्डकासल को चल जाता है कि टोनी जो है इन दोनों को भगाने का प्लान कर रहा है। तो अब कहानी में मजा आने वाला है। अब क्या होता है, टोनी को मिस्टर हार्डकासल सच्चाई बताते हैं। ये टाइम है सच्चाई बताने का। कौन सी सच्चाई? कि तुम 18 साल के हो गए हो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेवकूफ बना के रखा है, तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहती कि तुम कमाओ और एक जिम्मेदार आदमी बनो। तुम भले ही मुझे परेशान करते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार आदमी बनो बेटा, ये कब तक तुम्हारा बचपना चलता रहेगा? तो टोनी की आंखें खुल जाती है कि मैं तो अपने फादर को बहुत गलत आदमी समझ रहा था, ये तो फरिश्ते निकले, और मेरी माँ, उसने तो मुझे बिगाड़ के रखा है। तो अब देखो टोनी क्या करता है, अब मैं बताऊंगा सबको। अब ये कहानी हो गई एक तरफ, अब चलते दूसरी कहानी की तरफ, मार्लो और केट की कहानी। केट अभी भी सोच रही है कि मार्लो ऐसा आदमी नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मार्लो ऐसा आदमी नहीं है। अब क्या है, मार्लो के पिताजी चार्ल्स मार्लो जी आ जाते हैं। वो आते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं मिस्टर हार्डकासल से, और कहते हैं कि मेरा बेटा आया हुआ है। तो मिस्टर हार्डकासल कहते हैं वो तो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा है सबसे। तो चार्ल्स मार्लो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो केट वहां पे आके कहती है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, मैं साबित करती हूँ, आप मेरे साथ चलो और पर्दे के पीछे छुप जाओ, मैं उसका असली चेहरा आपके सामने लेके आती हूँ, मार्लो का, ठीक है। तो वो दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। तो केट मार्लो को लेके आती है, मार्लो से बात करती है, लेकिन मार्लो तो अभी भी सोच रहा है कि वो एक इन में है, वो एक बार में है। तो चार्ल्स मार्लो उसकी ये गलतफहमी दूर करते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है बार में नहीं हो, मिस्टर हार्डकासल के घर पे ही हो, और तुम जिससे बात कर रहे हो वो इनकी बेटी है, कोई बारमेड नहीं है। तो ये सब देख करके वो हंसने लगते हैं, सबके सब हंसने लगते हैं कि क्या ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और पूरा एकदम कॉमेडी बन गया। तो दोस्तों ये कहानी तो हो गई सॉल्व, अब चलते हैं हेस्टिंग्स की कहानी की तरफ। हेस्टिंग्स उसको लेके भागने वाला है, बग्गी वहां पे उसने तैयार कर दी, किसने? टोनी ने। लेकिन वहां पे मिसेस हार्डकासल आ जाती है देखने के लिए चल क्या रहा है। तो टोनी कहता है अपनी माँ से कि आओ माँ बग्गी में बैठो, तुम्हें एक सैर करवा के लाता हूं लंबी सी। टोनी को अब मौका मिल गया अपनी माँ से बदला लेने का, जैसे उसने उसको बिगाड़ा था ना, उसका बदला लेने का मौका मिल गया अब टोनी को। तो टोनी अपनी माँ को बैठा करके बग्गी में घर के गोल 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 चक्कर काटता है, एक मतलब एक तरह से ऐसे सबक सिखाने के लिए अपनी माँ को कि तुमने मेरे को बचपन से बिगाड़ा है। और टोनी उस सब का हिसाब बराबर कर देता है अपनी माँ से। अब दोस्तों यहाँ पे मिस नेविल और हेस्टिंग्स जो है ये लोग भागने का प्लान तो कर रहे थे, अब इनका भी माइंड चेंज हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि हम भागेंगे नहीं, हम लोग परमिशन लेंगे, मिस्टर हार्डकासल की परमिशन लेंगे, और मैं जानती हूँ, नेविल कहती है मैं जानती हूँ वो मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सॉल्व होता दिख रहा है। यहाँ पे हेस्टिंग्स और नेविल वापस आते हैं, टोनी अपनी माँ को सबक सिखा देता है और लेकर के वापस आता है अपने घर में, और यहाँ पे चार्ल्स मार्लो ने मार्लो को यहाँ पे सेट कर दिया कि हाँ तुम गलत थे और ये है वो है। तो यहाँ पे सब कुछ सेट होता दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे केट की शादी हो जाती है मार्लो के साथ में और हेस्टिंग्स की शादी हो जाती है मिस नेवल के साथ में। तो कहानी की हैप्पी एंडिंग इसी के साथ होती है, सब हंसते हंसते इसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं, सब खुश होते हैं कि क्या गलतियां हुई, कॉमेडी बन गया एकदम प्ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही शख्स खुश नहीं है, वो है टोनी की माँ। अब गलतियां की, अपने बेटे को बिगाड़ा है तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कहानी के टाइटल की, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। देखिए स्टूप्स का मतलब होता है झुकना और कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। तो अगर मैं हिंदी में इस लाइन का मतलब निकालूं, शी स्टूप्स टू कॉन्कर मतलब वो जीतने के लिए झुक गई। कौन जीतने के लिए झुक गई? केट हार्डकासल मार्लो का प्रेम जीतने के लिए झुक गई। केट हार्डकासल ने अपने प्रेम मार्लो के लिए सेक्रीफाइस किया और वो एक बारमेड बनने को भी तैयार हो गई। लेकिन अगर बात की जाए नेविल के कैरेक्टर की, तो वो अपने गहनों को नहीं छोड़ सकती थी हेस्टिंग्स के लिए, उसको हेस्टिंग्स से ज़्यादा गहने प्यारे थे। तो ऑफकोर्स वो टाइटल नेविल पे तो सूट नहीं होता, वो टाइटल सूट होता है केट हार्डकासल पे। शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ठीक है, ये तो हो गया एक टाइटल। एक इस कहानी का एक और टाइटल है, वो है मिस्टेक्स ऑफ दैट नाइट, उस रात की कुछ गलतियां। तो ये भी एक टाइटल है, ये भी याद रखना, सब टाइटल समझ लो एक तरह से इसको। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।